वेलकम फ्रेंड्स, योर यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो आइए देख लेते हैं क्या न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द गेट 2022। तो देख लीजिए 2022 का जो गेट एग्जामिनेशन होना है वो किस प्रकार से क्या रहेगा, उसकी डेट क्या है, क्या लास्ट डेट है, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। तो क्या है ये, कौन करा रहा है, उसके बारे में आप जानकारी देख सकते हैं कि IIT KGPE यानी खड़गपुर इसको कंडक्ट कराने वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेंगी। तो पहले तो ये था 30 अगस्त से फॉर्म फिलअप होने थे, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगी वो अब जो रहेगी गुरुवार 2 सितंबर 2021 रहेगी, ठीक है। वहीं क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, तो 24 सितंबर तक आप फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। एक्सटेंड कैसे करेंगे, तो एक्सटेंडेड डेट इफ़ मे बी तो 1 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। वहीं डेट ऑफ डिफेक्टिव एप्लीकेशन जो भी रेक्टिफाई किए जाएंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 26 अक्टूबर तक। लास्ट डेट रेक्टिफिकेशन की जो भी एप्लीकेशन है आप सबमिट कर सकते हैं 1 नवंबर। फिर लास्ट डेट कैसे रहेगी, कैटेगरी यदि चेंज करना है पेपर एग्जामिनेशन सिटी तो वो भी अवेलेबिलिटी इसमें रहेगी फ्री, ठीक है। फी बिल भी रहेगी इसमें, एडिशनल फीस रहेगी इसके साथ 12 नवंबर तक आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके, तो 3 जनवरी को। पेपर कब कब रहेगा इसकी भी डेट आप देख लीजिए कि 5 फरवरी को पेपर कमेंसमेंट होना है, ठीक है। 6, 12, 13 को भी रहेगा, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो 17 मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन गेट रिगार्डिंग है। जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को ध्यान से, बड़े ही ध्यान से भर रहे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या पैटर्न है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सब यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम सिटी क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या इसके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, किस प्रकार के पेपर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इसमें वो बात नहीं है, जो भी नए कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो इसको ज़रूर ध्यान में रखें कि क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी है फॉर्म फिलअप। जो भी फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे तो मैं आपको उसमें और भी बता दूंगा कि क्या क्या आपको सावधानी इसमें रखनी रहेंगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन तो इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पेपर के कंडक्ट जो रहेंगे, किस प्रकार के कोड हैं उसको भी देख लिए। आप दो पेपर को भी एक साथ कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, ठीक है। वहीं देखिए ये कोड हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उस हिसाब से आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। न्यू पेपर ऐड कर दिया, जैसे नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग का इसमें पेपर ऐड कर दिया गया, वहीं जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग भी इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो पैटर्न तो आपको पता है किस प्रकार से रहता है, 55 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। वहीं 15 मार्क्स का क्या रहता है, आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है। 85 आपके कॉन्सर्न जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड टेक्निकल बैकग्राउंड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं क्या क्या है डिटेल पैटर्न क्वेश्चन का वो भी आप देख लीजिए यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। वहीं ये सभी पेपर के कोड हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी इसमें लेकर उसको कर सकते हैं, जैसे फ्लड, जैसे FM का है, मटेरियल साइंस है, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मो, ठीक है, इसको लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं देख लीजिए क्या क्या पैटर्न है, यदि कुछ मिलता है तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ जो भी ज़रूरी रहेगा। तो लोडिंग काफ़ी तेज नहीं है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप क्या है। तो पेपर जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन 3 घंटे की, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ब्रांचेस हैं कुल मिला के 29 ब्रांचेस इसमें रह सकती हैं। सेक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया, कैंडिडेट सेलेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका ध्यान रखना है कि पिछले सालों से इसमें MSQ क्वेश्चंस इसमें आने लगे, तो ठीक है। ये एक नया पैटर्न है MSQ का, यानी एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो के मतलब एक से ज़्यादा आंसर उसमें आप सही हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती MSQ में, तो उससे कोई बात नहीं है भाई। MCQ क्वेश्चन रहते हैं जो पहले से, उसमें माइनस मार्किंग रहती है, वही नेट और MSQ में माइनस मार्किंग नहीं रहती, ठीक है। क्वेश्चनिंग फॉर टेस्टिंग एंड डिसेबिलिटीज रिकॉल कर सकते हैं आपका किस प्रकार से रहेंगे, एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेटिस इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं, ठीक है। 55 रहेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 10 का, ठीक है। तो कुल मिला के 65 क्वेश्चन इसमें
अभी हैं, 55 आपके टेक्निकल के जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स जो हैं देख लीजिए आप, जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 15 मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 72 मार्क्स, कुल मिला के 100 मार्क्स, ठीक है। वहीं अन्य ब्रांच जैसे कि देख लीजिए आप, उनके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन है 15 मार्क्स फॉर द जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट रिलेटिव टू द 85 मार्क्स, ठीक है। मार्क स्कीम किस प्रकार की है, एक क्वेश्चन एक नंबर और दो नंबर, नेट के लिए दो नंबर है, ठीक है, जो पहले से चला जाए। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1 मार्क के लिए 1/3, 2 मार्क के लिए 2/3, नो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ MSQ और NET के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बेसिकली होते हैं 1 और 2 मार्क्स के, वो भी MCQ टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए ये पेपर कोड है, क्या मार्क्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, याद रखिए तारीख किस प्रकार से है, 2 से 24 के बीच में आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी गेट से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दी, आप सभी का थैंक यू चैनल से जुड़े रहने के लिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, आप सभी का धन्यवाद।